एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मेरा चीनी मिनी सा पर्पल हॉल वीडियो। चीनी मिनी इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, बट आई होप आपके लिए सारे प्रोडक्ट्स हेल्पफुल रहेंगे। और ये जो हॉल्स वीडियो होते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं और आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं, सो शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि अगर वो प्रोडक्ट आप फ्यूचर में लेने का सोच रहे हो तो आपको कोई भी रिग्रेट ना हो कि ये वाला प्रोडक्ट मेरे लिए सूट नहीं हुआ, लाइक ये वाला जो प्रोडक्ट था वो ऑयली स्किन के लिए था और मेरी स्किन ड्राई है और मैंने ले लिया। तो इससे क्या होता है कि जब आप वीडियो देख लेते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। एंड इसी पर्पज़ को लेकर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई हैव दीज प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये गुड वाइब्स का सीरम। ये है ग्रेप सीड स्किन इल्यूमिनेटर फेस सीरम। ये नेट क्वांटिटी 10 ml की बॉटल में आता है, एज यू गाइस कैन सी। एंड इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इसका प्राइस है 199 रुपीस। एंड ये एक इल्यूमिनेटर फेस सीरम है। एक्चुअली मैंने ओपन कर लिया है और ये प्रोडक्ट्स मुझे 1 week हो गए हैं रिसीव हुए। सो मैंने लेट वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये एसेंशियल एंड कुछ मतलब कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, तो आई थॉट कि मैं इसको पहले यूज़ करूं एंड इनके रिजल्ट अच्छे हैं या नहीं, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूं। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये सीरम। सो आप देख सकते हो कि इसकी अंदर की बॉटल कुछ इस टाइप की है एंड ये एक कांच का बॉटल है। इसमें कुछ इस तरीके की ये कैप में आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप का है। बट ये मुझे जैसे रिसीव हुआ था वो इस तरीके की कैप इस पे इस तरीके से फिक्स थी, देन ये कैप इसके ऊपर लगा था तो ये अलग से था। सो मैंने इसको जस्ट ऐसे ओपन करके एंड ये वाली कैप को इसमें इंसर्ट कर दिया लाइक दिस। काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना एंड मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि ये सच में इल्यूमिनेटर इफेक्ट देता है आपको। सो मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा सीरम ले लिया है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस इतनी मज़े की है ना कि मैं क्या बताऊँ, सीरियसली बहुत अच्छा है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है एज यू गाइस कैन सी। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है। हाँ ये बहुत देर तक स्टे करता है आपके फेस पे, लाइक 6 to 7 hours आपके फेस पे ये स्टे करेगा। एंड ये बेसिकली मैंने लिया था क्योंकि आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, मैं इसको मेकअप करने से पहले अपने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको अपने फाउंडेशन में ड्यूई इफेक्ट के लिए इसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो फाउंडेशन है ना इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड इतना ज़्यादा इल्यूमिनेटर ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपको लगेगा कि यार नेचुरली ग्लो हो रहा है, राइट? सो या, और अगर आपकी बहुत ही अच्छी स्किन है, लाइक फुल क्लियर स्किन है और आपकी ड्राई स्किन है, सो आपको कोई भी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये सीरम अप्लाई करो, आपका फेस इतना ज़्यादा ग्लो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। एंड थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कर लो एंड थोड़ी सी पिंक लिपस्टिक एंड दैट्स इट, एंड यू लुक लाइक अ डॉल। तो यह आप ज़रूर ट्राई करना। एंड मेरी स्किन में बहुत सारे स्कार्स हो गए हैं, सो उसका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसके रिजल्ट भी शेयर करूँगी। सो अभी तो मैंने मेकअप किया हुआ है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, बट हाँ मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा स्कार्स हो गए हैं। सो स्कार्स के लिए मैंने कुछ मंगाया है एंड वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी हम बात करते हैं इस सीरम की। तो ये बेसिकली सीरम आपके फेस को मॉइस्चराइज़र करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस वाले सीरम को ज़रूर यूज़ करिएगा। एंड ये पैराबिन सिलिकॉन क्विट्री फ्री है, सो इसकी बेस्ट पार्ट है। सो या गाइस, ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो था ये सीरम। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा सेकंड प्रोडक्ट। फोर हो गया मेरा सेकंड प्रोडक्ट। सो सेकंड प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये फेस वॉश। ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदिक बायो हनी जेल रिफ्रेशिंग फॉर्मिंग फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आयुर्वेदिक हैं। इसकी नेट क्वांटिटी है 50 ml एंड इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ 65, बट मुझे पर्पल पे ये तो जस्ट 40 rupees में मिला है एंड क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था। एंड ये जो फेस वॉश है ये एक जेल फॉर्म में है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक जेल फॉर्म का, एक ये एक जेल फॉर्म में फेस वॉश है,
बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है एंड फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। एंड आप देख सकते हो कि जब मैं इसको रिमूव करूँगी तो ये कुछ लाइक दिस। सो ये आपके जो मेकअप को या फिर इसमें ऑयल लगा था, आपने देखा था कि मैंने सिरम लगाया था, तो ये कितने अच्छे से सिरम को रिमूव कर रहे हैं, यू गाइस कैन सी। एंड आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अगर आपने इसको हाथ पे ले लिया है, जस्ट आप अपने फेस को इससे अच्छे से वॉश करिए, आपका फेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, आपको पानी की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड जस्ट जाकर अपने फेस को वॉश कर लीजिए, दैट्स इट। सो मैं इसी तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। सो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड प्रोडक्ट। सो थर्ड प्रोडक्ट है रोज़ वाटर, ये एल्फ्स गुडनेस का रोज़ टोनर। सो या एक तरीके का ये एक रोज़ टोनर है। सो मैं इसको किस तरीके से यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ तो मैं इसको स्प्रे करती हूँ अपने फेस पर, एंड या मैं इसको एज अ मेकअप फिक्सर भी यूज़ करती हूँ। सो आप रोज़ वाटर को एज अ मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। सो बेसिकली आप इसको अपने बेस को अप्लाई करने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका मेकअप। देन सेकेंड थिंग ये भी रहेगा कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। सो यार मैं इसको इस तरीके से भी यूज़ करती हूँ। सो ये है हमारा थर्ड प्रोडक्ट। जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लिक्विड मैट लिपस्टिक। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था लाइक इस प्राइस में इतनी अच्छी लिपस्टिक हो सकती है। मुझे ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा पसंद है, ट्रस्ट मी, अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट है ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। आपको लाइक आप सोचिए वाओ यार इतनी कम प्राइस में इतनी बेस्ट लिपस्टिक। एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाते हैं, मैंने पिक किया है ये ऑरेंज शेड एंड ये न्यूड शेड। इसका प्राइस है 105, बट मुझे पर्पल पे ये 94 रुपीज़ की मिली है, 63 रुपीज़ की मिली है, क्योंकि वहाँ पे मेरा मेंबरशिप भी है इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। इसका शेड है 11, यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड इसका शेड है 04 04। सो ये एक ऑरेंज शेड में लिपस्टिक है एंड ये न्यूड शेड है, आपको ऑरेंज वाला दिखाती हूँ। ये लिपस्टिक इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड है, इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड है कि आपको ना ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी रेड लगेंगे। अगर आप रेड लिपस्टिक या फिर ऑरेंज लिपस्टिक लगाना पसंद करते हैं, बट ज़्यादा नहीं, इससे भी कम अमाउंट में आपको लिपस्टिक लेनी है, देन आपको टैप करना है क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है। सो आपको बहुत केयरफुली इसको टैप टैप करके अपने लिप्स पर अप्लाई करना होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज ना ये आपके लिप्स के बाहर भी लग सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक इसकी जो लिक्विड है ना ये बहुत ज़्यादा वाटर टाइप का है, लाइक मैट, फुल मैट नहीं है। सो आप देख सकते हो इस तरीके का ये इसका शेड है, ये मुझे बहुत प्यारी लिपस्टिक लगी। सो या एंड ये सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होती है, अभी थोड़ी सी ये गीली है इसलिए थोड़ी सी हल्की ट्रांसफ़र हो रही है, बट ट्रस्ट मी जब ये एकदम से मैट हो जाएगी, एकदम से ये ड्राई हो जाएगी ना, ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। एंड आपको थोड़ी केयरफुली अप्लाई करना होगा। और अब मैं आपको न्यूड शेड दिखाती हूँ, न्यूड शेड भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक ब्राउनिश न्यूड शेड है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत कम क्वांटिटी में लिपस्टिक लेनी है क्योंकि ये ब्लेंड इतने अच्छे से होती है ना, मुझे न्यूड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप देख सकते हो कि ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है एंड इसका शेड भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो यार ये है मेरी सबसे फेवरेट एंड मोस्ट अफोर्डेबल लिपस्टिक। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वो भी ब्लू हेवन ब्रांड का ही है एंड वो है ये मिस्केला वाटर, लाइक मेकअप रिमूवर वाटर। एंड ये जो बेसिकली प्रोडक्ट मैंने मंगाया है ये अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए, ये ऑयल बेस्ड वाटर है। अभी मैं आपको ये लिपस्टिक को रिमूव करके दिखाऊंगी कि लाइक सच में ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर ये कॉटन ले लेती हूँ, तो मैंने ये कॉटन ले लिया है एंड इसमें मैं प्रोडक्ट्स को लूँगी। इतनी
इतने अच्छे से इसने रिमूव किया ना मेकअप को, तब आप समझ सकते हो कि ये वाला जो ब्लू हेवन का प्रोडक्ट है ये कितने अच्छे से वर्क करता है। तो अगर आप चाहते हो अफोर्डेबल में मेकअप रिमूव करने के लिए कोई मेकअप रिमूवर, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस है 150 रुपीज़, बट ये आपको पर्पल पे अंडर 100 रुपीज़ मिल जाएगा। आई एम श्योर वहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं, बाय वन गेट वन भी ऑफर चलते हैं। एंड मुझे बाय वन गेट वन से याद आया, ये ब्लू हेवन का मेकअप रिमूवर एंड दिस लिपस्टिक, ये दोनों लिपस्टिक परचेज करने के बाद मुझे ये वाली फ्री मिली थी। सो यार, ये वाली लिपस्टिक मुझे बिल्कुल फ्री मिली है, मैंने सिर्फ इन दोनों के पैसे दिए हैं। सो ये था मेरा मेकअप रिमूवर जो मैंने ऑर्डर किया था। सो ये है हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट, एंड ये है कॉटन बॉल्स, द ब्रांड कॉल टुलिप ए केयरिंग टच। सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है मेकअप रिमूव करने के लिए। सो बेसिकली इसमें एक पैकेट में 50 बॉल्स हैं कॉटन की, ये सारी कॉटन बॉल्स हैं। सो बेसिकली मैंने इसको मंगाया था मेकअप को रिमूव करने के लिए, बट ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, लाइक थोड़ा सा रफ टाइप का है, सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड जब मैंने इसको अपने फेस पे मेकअप को रिमूव किया, तो या मेकअप तो अच्छे से रिमूव करता है, एज यू गाइस कैन सी मेकअप अच्छे से रिमूव करता है, बट ये पूरे फेस के लिए ये जो बॉल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लाइक अच्छे से आपके ना, ये जो इसकी कॉटन्स की, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्वालिटी, ये है ना, ये आपके लाइक आपके फेस पे चिपक जाएंगे जब आप इसको कुछ रिमूव करोगे पूरे फेस पे। अब मैंने मंगा लिया था तो मैंने रिटर्न नहीं किया, क्योंकि मैं इसको मेरे नेल पेंट को रिमूव करने के लिए या फिर लिपस्टिक रिमूव करने के लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे मंगा लिए थे, आप देख सकते हो ये पूरा बॉक्स, लाइक ये 3 है एंड टोटल मैंने 4 मंगाए थे, एंड ये एक कॉम्बो प्राइस था समथिंग 130 समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 130 में ये मुझे 4 का कॉम्बो मिल रहा था, इसलिए मैंने मंगा लिया। एंड कोई बात नहीं, फेस के लिए नहीं अच्छा है, बट वर्क अच्छे से करेगा, लाइक नेल पेंट के लिए एंड मेरे आई मेकअप को रिमूव करने के लिए। सो ये है हमारा 6th एंड लास्ट प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है बायोटिक का, ये हमारे जो स्कार्स है ना उनको मतलब स्कार्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आया था, एंड आप देख सकते हो इस तरीके की कार्डबोर्ड साइज में है। इसका प्राइस है 199 रुपीज़। इसकी जो पैकेजिंग है ना, ये बिल्कुल बोरोलिन की तरह है, एंड कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है, वाइट एंड ग्रीन, एंड इसकी फ्रेग्रेंस जस्ट लाइक अ झंडू बाम। सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है इसकी फ्रेग्रेंस, बिल्कुल झंडू बाम की तरह है, एंड ये काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में आया है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में है। मैं इसको 1 वीक से अप्लाई कर रही हूँ, कुछ इस टाइप का जेल फॉर्म में है ये, एंड इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल झंडू बाम की तरह है। सो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, और इसको सिर्फ हमें अपने पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, जहाँ पे भी आपको स्कार्स है वहाँ पे अप्लाई करना है। सो 1 वीक से मैं इसको अभी अप्लाई कर रही हूँ, एंड लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। सो अभी तो मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट इतने जल्दी रिजल्ट भी नहीं मिलता है। सो मैं इसको 1 मंथ के लिए अप्लाई करूँगी, देन आपके साथ शेयर करूँगी कि सच में वर्क करता है या नहीं, बिकॉज आई नो कि लाइक सबके स्कार्स होते हैं, लाइक पिंपल्स तो सबको निकलते हैं, उनके स्कार्स भी रह जाते हैं, एंड काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हम क्या अप्लाई करें जिससे स्कार्स मिट जाएँ। मेरे चीक्स पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, मेकअप से थोड़े हाइड है, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्कार्स हो गए हैं, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है। सो लेट्स सी वर्क करता है या नहीं, 1 मंथ के बाद मैं ज़रूर इसका रिजल्ट शेयर करूँगी। मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी थी, तो या सो ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो यार, ये था मेरा चीनी मिनी सा पर्पल हॉल वीडियो, एंड मैंने बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, सो आई थॉट आपके साथ शेयर कर दूँ, थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए, लाइक मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड, एंटरटेनमेंट एंड कोई भी चैलेंज। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो यार गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।